हरे हर महादेव। जय माता दी। दोस्तों कैसी हैं आप सभी। पूज्य गुरुदेव द्वारा बताया गया एक विशेष उपाय लेकर आई हूँ जो केवल आपको मंगलवार के दिन करना है। मंगलवार का दिन भगवान हनुमान को समर्पित होता है और पवन पुत्र हनुमान जी की जिसको कृपा चाहिए तो मंगलवार के दिन यह एकमात्र उपाय अवश्य कर लें। कई बार ऐसा होता है कि किस्मत साथ नहीं देती है, सोने को हाथ लगाते हैं मिट्टी हो जाता है, तो ऐसे में आपको ये विशेष उपाय अवश्य करना चाहिए। इस उपाय को करने के लिए आपके पैसे खर्च नहीं होने वाले हैं, मात्र थोड़े से एक चुटकी सिंदूर से आप ये उपाय कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, किस्मत साथ नहीं दे रही है, बहुत ज़्यादा कर्ज से परेशान हो या कोई अन्य समस्या आपके जीवन में चल रही हो, रोग बीमारी यानी कि कोई भी समस्या आपके जीवन में होगी, एक बार इस उपाय को करने मात्र से ही दूर हो जाएगी। केवल एक मंगलवार आपको ये उपाय करना है और उसके बाद आपके जीवन में वो चमत्कार होगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी, यानी कि आपके जीवन के सभी दुख तकलीफ दूर हो जाएंगे। इसके लिए आपको करना क्या है कि मंगलवार के दिन एक लोटा जल लेना है। जल आप किसी भी पात्र में लें, तांबे पीतल स्टील किसी में भी ले सकते हैं और उसमें साफ स्वच्छ जल भरना है। जल भरने के बाद उसमें थोड़ा सा गंगा जल आपको डालना है। गंगा जल डालने के बाद थोड़ा सा मीठा डालना है। मीठा डालने के बाद आपको सूर्य भगवान को अर्घ देते समय वह जल धरती पे समर्पित करना है। ध्यान रहे, सूर्य भगवान को जल समर्पित करना है और जल जो है धरती पर जाना चाहिए, और जल जैसे ही धरती पे जाएगा तो उस स्थान पर गीला हो जाएगा, यानी कि जो मिट्टी है वहाँ की वो गीली हो जाएगी, और उस मिट्टी में से थोड़ी सी एक चुटकी मिट्टी आपको उठा लेनी है। और उस मिट्टी को उठाने के बाद आपको आना है अपने घर के मंदिर में। मंदिर में आने के बाद आपको थोड़ा सा सिंदूर लेना है। कैसा भी सिंदूर आपको मिलता है वैसा सिंदूर आप ले सकते हैं, और उस सिंदूर में आपको वो मिट्टी मिला देनी है और उसे किसी डिब्बी में भर करके आपको रख देना है हनुमान जी के सामने। हनुमान जी की पूजा अर्चना करनी है और जो हनुमान जी के मंत्र हैं उनका उच्चारण करें। मंत्र नहीं आते हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ करें और उसके बाद उसी मिट्टी में से थोड़ा सा तिलक अपने मस्तिष्क पर लगाएं, और जो डिब्बी आपने जिसमें सिंदूर और मिट्टी भर के आपने रखी है उस डिब्बी को अच्छे से संभाल के रखें, और प्रत्येक दिन उसी डिब्बी में से आपको तिलक लगाना है। लगातार 7 दिन ऐसा करना, देखना धीरे धीरे आपकी किस्मत चमकने लगेगी और हनुमान जी की ऐसी कृपा होगी कि मिट्टी में भी हाथ डालोगे तो वह भी सोना हो जाएगी। कहने का मतलब है कि आपकी जो किस्मत है वो आपका साथ देने लगेगी। दोस्तों ये जो मैंने आपको उपाय बताया है इससे 2 लाभ प्राप्त होंगे। पहला, सूर्य भगवान की कृपा प्राप्त होगी। दूसरा, हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी जिसके चलते आपके जीवन की सभी बाधाएं दूर होंगी, कष्ट दूर हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ उपाय बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझ आया होगा। कुछ भी बातें अगर आपको सही से समझ नहीं आई हो तो नीचे कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको उसका उत्तर अवश्य दूंगी। दोस्तों अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है, कोई दुख तकलीफ दर्द है और कई सारे उपाय करने के बाद भी आपको लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताना, मैं आपके लिए उसका 100 में से 100% रामबाण उपाय लेकर आऊँगी जिससे आपकी वो परेशानी दूर हो जाएगी। और कमेंट बॉक्स में जय शिव शंभू हर हर महादेव अवश्य लिखना।